Hi guys, I am Swapnaja Sharma and welcome back to my channel. So I guess आप सब लोगों को जो मेरे live trading sessions के video है वो अच्छे लग रहे हैं या उसमें से कुछ ना कुछ learnings मिल रही है. See, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं दिखाऊँ कि मेरे profits क्या हो रहा है या मेरे loss कितना हो रहा है. मेरा मकसद सिर्फ यही है कि intraday में temperament कैसा होना चाहिए. There are certain days कि आपके बहुत अच्छे जाते हैं, there are certain days आपके बहुत बुरे जाते हैं, in spite कि market अच्छा हो. जैसे even आज का day था, आज मैंने काफ़ी सारी opportunities छोड़ दी थी. somehow सुबह से focus नहीं था क्योंकि सबसे पहला जो trade था वो भी मैंने late लिया था और तभी से बिल्कुल ऐसा लग ही रहा था कि आज focus नहीं है. और इतना बुरा दिन नहीं था जितना बुरा मेरा मुझे फायर फाइटिंग करनी पड़ी आज मेरे लॉस को कम करने के लिए. सो इट डिपेंड्स कि आपका फोकस कैसा है जो आज मेरा हिला हुआ था. और मैं आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ रादर मैं दिखाऊंगी जब भी मैं चार्ट्स पे आऊंगी कि कहाँ कहाँ मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकती थी जो मैंने टोटली मिस आउट कर दिया. ओके, दूसरा पार्ट ये है जहाँ तक वो स्प्रेड का था कि मैंने एक सेट आपके सामने मेरा स्प्रेड का रखा था थ्रू आउट फ्राइडे से आज तक का. एंड आई होप आपको उसमें से काफ़ी सारी लर्निंग्स मिली होगी क्योंकि स्प्रेड ओपन करना बड़ी बात नहीं होती. मेन्स पार्ट जो होता है ऑप्शन राइटिंग का बेसिकली वो एडजस्टमेंट्स होते हैं, हाउ यू कैन ग्रैब मैक्सिमम आउट ऑफ दैट स्प्रेड और कब आपको उसको बिल्कुल बंद कर देना है, जितना प्रॉफिट से लेके उस स्प्रेड से बाहर आना है. स्प्रेड शुरू करना और स्प्रेड को ख़त्म करना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. लोग बाग स्प्रेड बना लेते हैं और उसके बाद उनको समझ में नहीं आता कि करें क्या, आप इसका कैसे एडजस्टमेंट्स करें. और मैंने सोचा इसीलिए एक लाइव एग्जांपल ही दे देते हैं. रही बात मेरे क्वांटिटी की, ऑल्दो उस स्प्रेड में ज़्यादा पैसा नहीं था, वो हार्डली 5 लाख रुपए लगे थे उस स्प्रेड को ओपन करने के लिए. बट जहाँ तक क्वांटिटी का सवाल है, आप एक एक लॉट से भी स्प्रेड ओपन कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है. इनफैक्ट अगर आप इस फील्ड में नए हो, ऑप्शन के फील्ड में नए हो, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक ही लॉट से काम करो बिल्कुल और देखो कि आप सिर्फ ओपन कर सकते हो या और उसको थ्रू आउट मेंटेन कर सकते हो क्या उस स्प्रेड को, तभी ऑप्शंस में काम करना. ओके, सो गाइस कल एक्सपायरी है इसलिए आज का वीडियो बिल्कुल ज़रूरी था एक्सपायरी लेवल्स के लिए. सो लेट्स डाइव इन. सो गाइस ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 15 मिनट्स का है और अभी मैंने इसमें लेवल्स हाइड करे हुए हैं. सो दीज आर द लेवल्स. सी बेसिकली जैसे 23,000 एक मेजर रेजिस्टेंस था जो दो दिन से हम लोग फेस कर रहे थे. एक पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 23,000 रेजिस्टेंस है जो कि थोड़ा सा वीक हो रहा है और उस हिसाब से थोड़ा सा ओआई भी तब दिख रहा था वैसे कि थोड़ा सा अब बुल्स आ जाएंगे. पर बिल्कुल ये 23,000 का लेवल जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो ब्रेक होके ये 22703 पे आया. ये एक उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था और फिर आज तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी. सो ये भी एक लेवल था जो 22411 का था और ये भी ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ये नीचे आया था. उसके बाद तकरीबन 22266 पे इसने काफ़ी कंसोलिडेशन दिखाया, तब एक बार मुझे लग रहा था कि यह अब यू टर्न लेगा और ऊपर जाएगा जिस तरह से इसने कंसोलिडेशन दिखाया था. सी मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ अब इस चार्ट को. तब इसने जो ये कंसोलिडेशन दिखाया था और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर से यू टर्न लेके ऊपर जा सकता है, बट देन नहीं, वो बिल्कुल उसको भी ब्रेक करके नीचे आया और इस लेवल से फिर उसने कंसोलिडेशन दिखाया अब और इस लेवल से ऊपर गया. तो जो एक्चुअली मेरे जो मुझे फायर फाइटिंग करनी पड़ी तो इसी लेवल को लेके करनी पड़ी थी क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मेरा व्यू ये था कि यहाँ से ऊपर जाएगा जो नहीं गया और वो ब्रेक करके नीचे आया और इस लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया. इस लेवल पे जब ये कंसोलिडेट कर रहा था तब बिल्कुल इतनी सारी उसने अपॉर्चुनिटीज़ दी थी कि अब ये ऊपर जाएगा करके और बहुत अच्छा 3 मिनट चार्ट पे अगर आप देखो तो बहुत अच्छे सेटअप्स भी बने थे जो मैंने मिस कर दिए. अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस करके है विच इज़ 22411. ओके, आई एम जस्ट डूइंग दिस आउट. 22411 ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और ये अब हमारा एक अच्छा सपोर्ट लेवल है. ओके, ये जो लेवल है ये 22161 है. अब इसके नीचे जितने भी कैंडल्स है ये एक बाइंग बॉक्स बनते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा विविड बाइंग बॉक्स है ये.
तो ये सारे कैंडल्स हमने इसमें डाल दिए हैं इस बॉक्स में, और फिलहाल इसने एटलीस्ट कल तो है कि ये लेवल नहीं ब्रेक करेगा, ओके चांसेस ये है। अगेन डिपेंड करता है कि यूएस मार्केट कैसे क्लोज हो रहा है। एज यू नो कि ये जो भी गैप डाउन ओपनिंग हुई है ये सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल इश्यूज की वजह से हुई है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि इंडियन क्लूज बहुत पॉजिटिव थे, बट सब ये डिस्काउंटेड है, जो इंडिया में चल रहा है वो सब डिस्काउंटेड है। हमें सबको पता था कि हमारी जीडीपी खराब आने वाली है, हमें सारी चीज़ें इकोनॉमी कहाँ जा रही है सब पता है, ओके उसके बावजूद मार्केट ने बहुत अच्छी रैली करी थी। अगेन 22.59 भी एक अच्छा सपोर्ट है नीचे, ओके सो अगर उसके नीचे का मैं और एक सपोर्ट मार्क करूँ तो ये है 21.909, ओके 21.909 आप ये बिल्कुल मार्क करके चलो। ये एक अगेन अगर ये 22.59 का ब्रेक होता है तो नेक्स्ट बिल्कुल इस लेवल पे आपको दिख सकता है मार्केट, और अगर इन दोनों के लेवल के बीच की कोई लेवल है जो 22.703 और 22.411, इसकी जो ये बीच की कोई लेवल है तो ये एक मार्क करके चलो आप, ये एक लेवल मार्क करके चलो आप, नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस करके एक्ट हो सकती है ये 22.485, ओके अगेन जो लोग मुझे हमेशा ये कमेंट सेक्शन में दे लिखते हैं कि आप ये लेवल्स कैसे ड्रॉ करती हो, तो गाइज ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हाउ टू ड्रॉ दैट बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। सो दीज आर द थिंग्स, ये मेनली लेवल्स है। अगर मैं अब ओआई डेटा पुल आउट करूँ उसका तो मैक्स पेन अभी 22.400 का है, तो फाइट यहाँ पे कहीं चल रही है, बट नीचे में 22,000 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, उसमें तकरीबन 10,73,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और 23,000 जो है वो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, उसके बाद जो है कि ये रेजिस्टेंस आ रहा है विच इज़ 22,500। तो एक क्लियर है कि 22,000 के नीचे तो जाएगा नहीं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लेवल है ये भी 22,161 है ऑल्दो, पर ये इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं हमें एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। अगेन अगर नॉर्मल ओपनिंग होती है तो, अगर फिर से गैप डाउन ओपनिंग होती है तो स्टोरी अलग हो जाती है, बट नॉर्मल ओपनिंग होती है तो इसके ऊपर ही हमें एक्सपायरी देखने को मिल सकती है इस लेवल के ऊपर। अगर हम आज का ये डेटा देखें कि आज कहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग हुई है, सिर्फ आज जो है अगेन 22,000 पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्टअप हुए हैं, जो 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट टोटल है उसमें से मोस्टली 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट तो है आज ही के आज बिल्ड हुए हैं यहाँ पे, ओके और अगेन एज आई सेड 22,500 एक मेजर रेजिस्टेंस हो रहा है, तो 22,500 के ऊपर भी नहीं एक्सपायरी जाएगी और 22,000 के नीचे भी एक्सपायरी दिख नहीं रही है, ऑफकोर्स इसी के बीच में होगी, बट अगेन कल एक्सपायरी है, ओआई डेटा बिल्कुल चेक करते रहना। अब आपको मैं वो अपॉर्चुनिटीज़ दिखाती हूँ जहाँ पे मैं एक्चुअली अच्छा खासा काम कर सकती थी जो मैंने नहीं किया। ये जो है ये 3 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है, और जब ये पूरा लेवल कंसोलिडेट हो रहा था तो यहाँ पे एक बैंक निफ्टी ने बहुत जाते जाते सेटअप बनाया था, ओके बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, RSI उसका अबव 80 था, और ये जो है वो सेटअप हाल इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन के बाद बनाया था, तो ये जो ऐसे सेटअप होते हैं वो गोल्डन सेटअप होते हैं एंड यू शुड नेवर मिस दिस एंड आई मिस्ड इट। और फिर अगेन यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर एक बाय बनता था, यहाँ पे उसका लो बनता, यहाँ पे उसका SL बनता था, तो ये जो हाई था ये था 22,234 समथिंग का, और ये तब उसके बाद तकरीबन 22,325 तक गया था, मतलब ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स की एक मूव थी, बहुत अच्छी मूव थी ये जाते जाते जो दी थी, जो मैंने मिस कर दी, सो आई रिग्रेट इट, तो एटलीस्ट मैं ग्रीन में डे क्लोज करती आज का। एनीवेज पर आप ये गलती मत करना जो मैंने करी है, ऐसे अपॉर्चुनिटी कभी मिस मत करना, इतना कंसोलिडेशन के बाद अगर एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बनता है विद दिस स्ट्रॉन्ग कैंडल, ऑलवेज रिमेंबर दिस कि बहुत अच्छा सेटअप होता है। ये भी अभी यहाँ पे मार्केट आज क्लोज हुआ इसलिए यहीं तक गया, बट नॉर्मल ये कहीं दिन के कंसोलिडेशन के बाद कभी मिड डे में ये सेटअप बनता तो और ज़्यादा ये प्रॉफिट दे के जाता। दिस इज़ अगेन माई ऑब्जर्वेशन, आप भी ऑब्जर्व करना और मुझे बताना, ओके नाउ लेट्स सी निफ्टी।
अगेन बैंक निफ्टी ने जितना आज कंसोलिडेशन दिखाया या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिखाया, निफ्टी ने बिल्कुल नहीं दिखाया। निफ्टी में बैंक निफ्टी से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, पर कहीं ना कहीं मेरा फोकस बैंक निफ्टी के ऊपर था, निफ्टी के ऊपर तो और नहीं था, तो मैं वो ग्रैब नहीं कर सकी निफ्टी की अपॉर्चुनिटीज़। बट निफ्टी काफ़ी स्मूथ था आज बैंक निफ्टी से। अगेन एक गैप डाउन ओपनिंग, ये लेवल्स ऑलरेडी मार्क थे, ये हमारे पुराने ही लेवल्स है ये जो मार्क थे पूरे, ओके okay? ये था 11259 और 11223 का। जब यहाँ पे ओपनिंग दी थी इस लेवल से एक अच्छी खासी फिर से बाइंग आई थी, बट RSI जो है वो बिलो 90, बट RSI जो है वो बिलो 20 था, तो वही चांस बन रहे थे कि ये सारी बाइंग फिर से उसमें सेलर्स हावी हो जाएंगे, और वही हुआ। बट यहाँ पे फिर एक स्ट्रगल हुआ, फिर ये ऊपर इस लेवल पे गया, फिर यहाँ से नीचे आया। अब जब ये नीचे आ रहा था ना, ये जो है ये नीचे आ रहा था, इसका RSI भी बिलो 20 था, ओके okay? पर ये कैंडल जिसने ये ब्रीच करा था ये सपोर्ट, ये स्ट्रांग नहीं थी। स्ट्रांग कैंडल ये उसकी नेक्स्ट थी, स्ट्रांग कैंडल विथ RSI बिलो 20, बट उसने उसका नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो नहीं ब्रेक किया था, और यहीं से निफ्टी ने यू टर्न लेना शुरू कर दिया था। आज जो सुबह का हाई बनाया था उसके उसको जाते जाते उसने ब्रीच कर दिया था। सो बहुत ही एक स्ट्रांग मूव आई थी निफ्टी में। अगेन जहाँ तक निफ्टी की बात है, तो ये जो है इस लेवल के नीचे जितने भी कैंडल्स है और उस कैंडल के वीक्स है, उसको एक बाइंग बॉक्स में डाल दो। ये एक बाइंग एरिया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है अब निफ्टी का, विच इज़ 11224, ओके। और इसके ऊपर की सारी लेवल्स मार्क्ड ऑलरेडी है, इसके ऊपर के सारे लेवल मार्क्ड है। तो ये सारे जो चार्ट्स है, मैं अगेन ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, FB पे, सब पे अपडेट कर दूंगी, ओके ओके गाइस, ये निफ्टी का ऑप्शन का डेटा है, और 11,000 अगेन एक मेजर सपोर्ट बन के आ रहा है निफ्टी में, अराउंड 33 लैक्स, अप्रॉक्स 34 लैक्स उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्टअप है। और यहाँ पे जो है 11400 और 11500 एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ओके तो ये ज़्यादा तो गैप है नहीं। मैक्स पेन 11300 का है, वहीं पे फाइट चल रही है, और तो 11,000 पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो गई है, मतलब कॉल, अगर आप कॉल राइटिंग का भी मैक्स वो देखोगे तो 32,088 है, बट वहीं पे इसकी जो मैक्स राइटिंग है वो 1,00,000 से ज़्यादा है, 3372 है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो चार्ट्स पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि यहाँ से नीचे, ऑल्दो 11,000 इस लेवल के नीचे है, पर इवन 11,200 मुझे लग नहीं रहा है, अगर कल को नॉर्मल ओपनिंग हो जाती है तो ये भी बेस नहीं ब्रेक होगा, इसी के ऊपर कहीं ना कहीं हमें निफ्टी क्लोजिंग दिख सकती है, ओके okay? चांसेस तो यही है, डिपेंड करता है कि नॉर्मल ओपनिंग हो जाए बस। सो गाइस, एज आई सेड, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स मैं पोस्ट कर दूंगी ये लेवल्स को, और कल एक्सपायरी है तो ओपन इंटरेस्ट पे हमेशा ध्यान रखना, और डू लेट मी नो आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और ये जो हम पोस्ट एनालिसिस करते हैं ये लेवल्स को लेके आते हैं, तो उसको मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली वीडियो डालूँ, ओके। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट, ओके गाइस, सो बाय एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग सेशन अहेड।